दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। मतगणना के पहले राउंड में पंचर हुई साइकिल, आखिरी राउंड तक पंचर ही रही। मतगणना के पहले राउंड में खिला कमल, आखिरी राउंड तक खिलता ही गया। ₹2022 में मिले मतों के आंकड़ों को भी नहीं छू सके सपा के विनय तिवारी। ₹2022 में विनय तिवारी को मिले थे 97,240 मत, उपचुनाव में 90,512 मत ही पा सके। अमन गिरी ने अपने पिता अरविंद गिरी से भी बड़ी जीत दर्ज की। ₹2022 में भाजपा के अरविंद गिरी 29,294 मतों से जीते थे। अमन गिरी ने 34,298 मतों से जीत दर्ज की। अमन गिरी को 1,24,810 मत मिले। ₹2022 में अरविंद गिरी को 1,26,534 मत मिले थे। गोला के मतदाताओं में सहानुभूति लहर का दिखा असर। अरविंद गिरी के निधन से रिक्त हुई सीट पर हुआ था उपचुनाव। गोला की जनता ने गोला के सिंहासन पर अमन गिरी को बैठाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद की गोला विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के अमन गिरी ने अपने पिता अरविंद गिरी से भी बड़ी जीत दर्ज कर उनके प्रतिद्वंदी सपा के विनय तिवारी को 34,298 मतों से शिकस्त दी है। 32 राउंड की हुई मतगणना में प्रथम राउंड से कमल खेलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आखिर तक खिलता चला गया और सपा की साइकिल पहले राउंड में जो पंचर हुई वो आखिरी राउंड तक पंचर ही रही। भाजपा के नव निर्वाचित विधायक अमन गिरी को 1,24,810 मत मिले, जबकि सपा के विनय तिवारी को 90,512 मत ही हासिल हो सके। विनय तिवारी को 2022 के चुनाव में 97,240 मत मिले थे, वो आंकड़ा भी वो छू नहीं पाए। 2022 के चुनाव में भाजपा के अरविंद गिरी 29,294 मतों से चुनाव जीते थे, जबकि उनके बेटे अमन गिरी ने 34,298 मतों से जीत दर्ज की है। यहां कुल 2,23,352 मत पड़े थे। 55.88% मत भाजपा के अमन गिरी को मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी सिर्फ 40.52% ही मत प्राप्त कर सके। भाजपा के उपचुनाव में ऐसी रणनीति बनाई कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई। 2022 में बसपा से उपचुनाव लड़ने वाली शिखा पटेल को चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल कर दलित वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी की। 40 स्टार प्रचारकों को उतार कर चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी तड़का लगाया और 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय अरविंद गिरी के कराए गए विकास कार्यों और उनके निधन से सहानुभूति लहर का अमन गिरी ने सीधे लाभ उठाया। गोला में कमल खिलने के बाद अरविंद गिरी के साथी पलिया से विधायक रोमी साहिनी ने जीत पर खुशी जताई। हाई इंडिया से खास बातचीत करते हुए रोमी साहिनी ने कही यह बात।
139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और 34,298 मतों से अमन गिरी विजयी घोषित किए जा चुके हैं। हमारे साथ कई कद्दावर नेता हैं और रोमी सानी विधायक हैं पलिया से, वो भी हैं। आप इस जीत का श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? पूरी जनता को देना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देना चाह रहे हैं। ईमानदारी के साथ क्षेत्र में काम किया और जनता ने हमको उसके बदले में बहुत वोट दिया। अरविंद गिरी जी हमको सच्ची श्रद्धांजलि दी। शंकर भोलेनाथ की नगरी थी, जितनी वोट से अरविंद गिरी जी जीते थे उससे अधिक वोटों से उसको उसको प्राथमिकता के आधार पर सरकार भी। देखिए एक चीज और है, योगी आदित्यनाथ ने सबसे अंतिम समय में जो जनसभा की उसमें उन्होंने कहा था गन्ना पेमेंट भुगतान को लिए बात की, यदि उन्होंने वादा किया था कि जब जीत होगी उसके बाद हम तुरंत गोला गोलनाथ आएंगे और जो काशी का सपना देखा जा रहा है उसको पूरा करेंगे। क्या लग रहा है कि आपको जिम्मेदारियाँ बढ़ गई आप लोगों पर बहुत ज़्यादा? देखिए जो योगी जी कहते हैं वो सच कहते हैं और उसको पूरा करते हैं। देखिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, विधायक हों, कार्यकर्ता हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों, सभी के अंदर बहुत जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। अमन गिर की जीत पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किस तरह खुशी जताई, आइए सुनाते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त जो अमन गिरी के विधानसभा के संयोजक अवधेश मिश्रा है और ये बहुत उत्साहित है और इस वक्त इन्हीं से हम पूछ रहे हैं जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं हमारे पास। कितने से जीते? निश्चित तौर पर अमन गिरी ने अपने पिताजी के रिकॉर्ड को क्रॉस किया है और 136 जो मतगणना उसको क्रॉस कर चुके हैं। जीत का श्रेय आप किसको देना चाह रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी और एसएससी मुख्यमंत्री बाबा योगी जी और हमारे उपचुनाव के उपचुनाव अधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय संतोष सिंह जी और जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी सहित समस्त कार्यकर्ताओं को मैं श्रेय देता हूं उनके श्रम को, उनके अपने नेतृत्व पर। तो उन्होंने अपनी आस्था पुनः इस चुनाव से सिद्ध होती है कि हम जीते हैं और आगे के भी चुनावों में जीतते हैं। एक चीज अंतिम और पूछे, आप अंदर से अभी निकल के आए हैं, लगभग 40,000 तक हम पहुंचेंगे और इससे अधिक भी हो सकता है। क्या जनता ने गन्ना पेमेंट चीजों को लेकर योगी जी जब आए तो उनके जादू काम किया है या बाबा विश्वनाथ के कारीगर निकला हुआ? देखिए जहां तक आपके इन दोनों प्रश्नों का सवाल है तो गन्ना किसानों की बात को समझा परमादरणीय मुख्यमंत्री जी, उनकी भावनाओं को लगातार समझ रहे थे और तभी वो चेतावनी देते हैं पब्लिक इंटर कॉलेज के मंच पे कि तुम्हारी जगह अगर भुगतान 31 दिसंबर तक नहीं किया, मेल चलने तक अगर नहीं किया तो आपका स्थान हम देने हैं। पूर्ण विश्वास और आस्था व्यक्त किया। देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे माहौल हो रहा है और बीजेपी के लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कहने के लिए योगी आदित्यनाथ की बातों का अंतिम समय में जो उन्होंने वादा किया और बोला कि जनता को आश्वस्त किया कि गन्ने का भुगतान होगा चीनी मिल चलने से पहले, इन सब पे जनता ने विश्वास किया है और योगी आदित्यनाथ ने भारतीय एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास जगाया है। कैमरामैन के साथ श्याम योगी, आई इंडिया के लिए लखीमपुर खीरी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।